दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और हमारी न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी एक बेस्ट ट्रेवल बोर्ड की अनबॉक्सिंग की थी, इसमें भी करने जा रहे हैं। देखिए इसमें का बेस्ट ट्रेवल बोर्ड मंगवाया था, जैसे इस बॉक्स पे बना हुआ है। ये भी सेट्रॉन का है, वो भी सेट्रॉन का था, लेकिन इस बार कुछ हटके आया है, कुछ यूनिक बोर्ड आया है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करें, नहीं तो समझ नहीं आएगी। फिर मैं इसके कनेक्शन भी बताऊँगा आपको किस तरीके से करने हैं। तो देखिए दोस्तों हमने कर लिया इसकी अनबॉक्सिंग आपका टाइम ना लेते हुए बिल्कुल भी। तो देखिए कितनी बेहतरीन क्वालिटी का ये बोर्ड है। मैं इसकी डिटेल्स बता देता हूँ आपको थोड़ी सी, उसके बाद कनेक्शन समझाऊँगा। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से देखिए पहले इसे और इसे समझिए। कोई सा भी एम्पलीफायर हो, छोटा एम्पलीफायर हो या बड़ा एम्पलीफायर हो, आप किसी में भी लगा सकते हैं। इसमें ये देखिए कैपेसिटर लगे हुए हैं केल्ट्रॉन के, ऑरेंज वाले जो सबसे अच्छे कैपेसिटर होते हैं। और ये देखिए बेस और इधर ट्रेबल, पोटेंशियल मीटर भी लगा सकते हैं आप इसमें डायरेक्ट, या इसमें वायर लगी हुई है उसमें लगा के अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं एम्पलीफायर में। तो दोस्तों इसमें 48 का ट्रांजिस्टर लगा है, 548 का, ये देखिए। और ये देखिए इसका नंबर भी लिखा हुआ है। एक चीज़ इसमें सबसे अच्छी है, ये देखिए इधर सोके के प्रीसेट भी दिखाए गए हैं, पोटेंशियल मीटर। तो दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर ये है कि इसमें लिखा हुआ है हर रेजिस्टेंस पे, हर ट्रांजिस्टर पे, हर कैपेसिटर पे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उससे पहले ये दिखा देता हूँ। ये इसकी 12 वोल्ट इनकी है और ये आउटपुट है इसकी। ये देखिए कितना बेहतरीन बोर्ड है, इस पर लिखा हुआ है ये देखिए 4.7 MFD, यानी कि कैपेसिटर अगर कोई सा शॉर्ट हो जाए और वैल्यू ना चमके तो आप बोर्ड पर जो वैल्यू लिखी हुई है उस वैल्यू को डाल सकते हैं। और इस पर लिखा है 4 ट्रांजिस्टर बेस्ट ट्रेबल DLX, यानी उनकी कोई ब्रांडिंग होगी सेट्रॉन वालों की। तो चलिए दोस्तों अब कुछ इससे पीछे से भी देख लेते हैं। ये देखिए 12 वोल्ट DC के हैं जो आपको इसमें इन करने हैं, तब ऑपरेट होगा, नहीं तो वो ऑपरेट नहीं होगा। और ये आउटपुट है, ये देखिए मैं इसे सीधा करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों इसके आउटपुट के वायर है दोनों, ग्राउंडिंग बोर्ड से ही मिल जाएगी। ये देखिए इसमें बैटरी के भी है 12 वोल्ट के, और ये इधर इनपुट का है, जैक लगा देना है आपको जो ब्लूटूथ मॉड्यूल का होता है। और ये इसमें सीधे से बेस ट्रेबल के पोटेंशियल मीटर के लिए वायर है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं इन वायर को हटा के। तो दोस्तों देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी का बेस ट्रेबल बोर्ड है और अभी तक का सबसे अच्छा बोर्ड है ये दोस्तों। कोई से भी एम्पलीफायर में लगाओ, छोटे में बड़े में, सबसे बेस्ट ट्रेबल निकलती है इसकी, सबसे बेस्ट बेस निकलती है और ट्रेबल भी उतनी ही निकलती है। बहुत ज़्यादा ट्रेबल और बहुत ज़्यादा बेस निकलती है इस बोर्ड में। जो पुराने तरीके के एम्पलीफायर आते थे या अब भी आते हैं, तो अब भी ज़्यादातर जो पुराने मैकेनिक हैं वो इसी बोर्ड को यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर की बिल्कुल क्लियर आती है, एक एक बीट निकल के अलग अलग। बहुत ही जेन्युइन बोर्ड है दोस्तों, इसकी मैं आपको फुल वीडियो बनाऊँगा एम्पलीफायर की, वो वीडियो आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से इसकी साउंड क्वालिटी है और किस तरीके से इसका एम्पलीफायर बनता है। सारी वीडियो बनाकर दिखाऊँगा, बिल्कुल शुरू से लास्ट तक एम्पलीफायर मॉडिफाई करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों वाली वीडियो भी देखना। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें जो लोग नहीं आए हैं।